चंडीगढ़ स्थित गुरु का लंगर आई अस्पताल ने 11 माह के रिकॉर्ड समय में मुफ्त आंखों के 200 ऑपरेशन कर एक नया इतिहास रचा है और भविष्य में अपना आई बैंक शुरू करने जा रहा है। इस बारे में अस्पताल की टीम ने आज जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी वे जरूरतमंद लोगों की इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे। सत श्रीकाल जी, गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल सैक्टर 18। अज असी स्पैशल एक बड़े माण वाले मौके पर असी अज इकट्ठे हुए हैं। धन गुरु नानक साहब ने सानू एक माण दिता है और पिछले 11 महीने के 200 कोर्निया ट्रांसप्लांट्स जेडे इतने सतगुरों ने कृपा करके साढ़े को करवाए। सारे नाल वड्डी चीज़ है, पहली गल तो यह कि पूरे नॉर्थ इंडिया च चाहे कोई गोरमेंट दे ने चाहे प्राइवेट सेंटर ने अज तक 200 कोर्निया ट्रांसप्लांट्स एक साल दे विच किसी दे नहीं हुए। दूजी जिहड़ी इस तो भी वड्डी जिहड़ी चीज़ अहमियत यह हैगी है कि इत्थे टोटल कोर्निया ट्रांसप्लांट जिहड़े फ्री ऑफ कॉस्ट किए गए, जिहदे नॉट ए सिंगल एक पैसा भी पेशेंट को ले गया। पेशेंट नूं आन जाण दा किराया भी दिता गया, उन्हां नूं 4 दिन इत्थे रख्या भी गया, लंगर पानी दी ते रहण दी सुविधा दित्ती गई है। किसी भी गोरमेंट ते प्राइवेट संस्थान दे अगर कोर्निया ट्रांसप्लांट होंदे आ ते तकरीबन 25,000 तो लैके 50,000 रुपए तक उन्हां दे चार्जिस इस कोर्निया ट्रांसप्लांट दे। हुण तक किन्ने ऑपरेट हो चुके हैं, किन्ने लोकां दे ऑपरेट हो चुके हैं तक कोर्निया ट्रांसप्लांट? कोर्निया ट्रांसप्लांट साढ़े अज 203 हो चुके हैं। सर अगला टीचा की है? अगला साढ़ा टीचा भी असी हुण अज अनाउंस कर रहे हैं भी असी आई बैंक अपना जिहड़ा अपलाई करता है सेंट्रल गोरमेंट नूं, उन्हां दी टीम मेरे ख्याल होर 15-20 दिन दे विच साढ़े कोल इतने इंस्पैक्शन ते आएगी ते महीने 1.5 महीने सानू परमिशन मिल जाएगी। और जो परमिशन मिल गई ते असी अरदास करते हैं भी गुरु नानक साहब एवं जी कृपा करनगे, पहले साल मिनीम 500 कोर्निया ट्रांसप्लांट असी इत्थे करांगे। और उत्थे एक ये दुनिया जगह होगी भी अज तुसीं आए जिहड़ा कोर्निया ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है ते दूजे या तीजे दिन उहदा ऑपरेशन करके ते वापस भेज देंगे, वह भी बिना किसी पैसा ले, और पूरा सत्कार भी देंगे माण भी देंगे और कोशिश करांगे साडे सारे परिवार नूं ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਕੋਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੇ ਯਹਾਂ ਪੇ 0-3 ਡੇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈ PGI AIIMS ਜਾਂ 32 ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 3-5 ਈਅਰਸ ਇਵਨ 10 ਈਅਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਹਮ ਆਈ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਬੈਂਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਹਮ ਪੁਤਰੀ ਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। तो सर अगर आई बैंक यहाँ पे आ जाएगा तो मरीजों को किस तरह की जो सहूलत है वो हो जाएगी? मैम उनको वेट नहीं करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, जैसे ही आते हैं खासकर ये जो पुतली के जो ऑपरेशन होते हैं ये गरीब होते हैं पेशेंट्स, पुअर पेशेंट्स होते हैं उस सोसाइटी से आते हैं, तो उनके लिए इतना ऑपरेशन के लिए खर्चे करने का पैसे इतना मुश्किल हो पाता है। तो फिर जैसे ही आई बैंक हो जाएगा पुतली हमारे पास रहेगी, पेशेंट आता है देखा हमने पुतली जरूरत है उसको, हम सेम डे या अगले दिन उसको ऑपरेशन कर देंगे और वो जा सकता है अगले ऑपरेशन के लिए। अभी तो आप कितना टाइम लगाते हैं, मतलब एक ऑपरेशन के लिए कितने दिन का टाइम लगता है? वेटिंग पीरियड? हाँ जी वेटिंग पीरियड हम 0-3 डेज है। अच्छा, और उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन हो जाता है पेशेंट का? सबको पेशेंट दूर से आ रहा है, पंजाब हरियाणा सेंट्रल इंडिया जहाँ से भी आता है वो उतनी दूर से आता है हमारे पास ऑपरेशन के लिए। तो अगर आप देखते हैं PGI और उसमें 32 में पेशेंट जाता है अगले दिन तो उसको उसका वेटिंग पीरियड है 5 साल होता है मिनिमम। हमारे पास पेशेंट आएगा आ जाता है हमारे पास तो उसका वेटिंग पीरियड 0-3 डेज होता है। ये जो आप टाइम बता रहे हैं आप इसको कवर अप कैसे करते हैं, मतलब वो इतना टाइम देते हैं आप लोग इतनी जल्दी जल्दी? हमें जो है जी, हमें कोर्निया हम बाहर से लेते हैं, हमें माधव आई बैंक शराफ आई बैंक वहाँ से कोर्निया आते हैं, तो अभी हमारी 10 कोर्नियाज पर वीक की एवरेज चल रही है जो हमें मिलते हैं जो हम वहाँ से ले रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट है, कोर्निया के भी पैसे लेते हैं, सर्जरी के भी पैसे लेते हैं, तो गरीब आदमी तो खर्च नहीं सकता। अब हमें तो टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम पीरियड वहाँ पे ये है, नहीं वो बाहर से नहीं लेते PGI वाले, वो तो अंदर को डोनेट होगी उसी से निकालेंगे वो वही देंगे, क्योंकि उनके पास आई बैंक है तो वो कोई जब मरने के बाद फोन करता है उनको तो वो लेते हैं, वो खुद कोशिश नहीं करते क्योंकि वो बड़ा इंस्टीट्यूट है उनके पास और इससे जरूरी और काम बहुत है। तो हमें क्या कि हमारे पास तो काम ही है ही, अब हमने तो जैसे आपको बताया मंदिर गुरुद्वारे में बैठ जाना है, हमने जाके एक टीचा है टारगेट साडा है कि जदों सानू आई बैंक मिल साडा अपना साडा अप्रूव्ड हो जाता है उस तो बाद साडी कोशिश ये रहेगी
कि असी पंजाब ते हरियाणे दियां जिहड़ियां वेटिंग लिस्ट चल रहीआं ने कोर्निया ट्रांसप्लांट दियां, वो असी रिक्वेस्ट परसनली हैल्थ मिनिस्टर्स दोनों स्टेटां दे मिल के कहांगे कि सारी वारी वारी सानू डिस्ट्रिक्ट वाइज सानू लिस्टां दिओ, ते असी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जिहड़ियां 15-15 दिन दे विच तुहाडियां लिस्टां जिहड़ियां क्लीयर करके देंगे, और सानू तुहाडे वल्लों कोई ग्रांट भी नहीं चाहिए, सानू सिर्फ पेशेंट दिओ, पेशेंट दी ब्लैसिंग नाल ही असी सारा कुछ करांगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ 2 acres ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਕੁਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ।